तुम समझ गए ना तौहीद? तौहीद OPN 1613M का मतलब अच्छी तरह जानता है। अब तक मेरे हाथों हिंदुस्तानी अफसरों का कत्ल हुआ, लेकिन अब हिंदुस्तान की सरजमी पर पाकिस्तानी वजीर आजम को मारने का सहरा भी मेरे सर पर। तुम पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का खून हिंदुस्तान में करना चाहते हो ताकि इसका इल्जाम हिंदुस्तानियों पर लगे? कैसी बेसिर पैर की बातें कर रही हो? मैं तौहीद हूं, तुम्हारा आशिक। सिर्फ अपनी बातें करो, अपनी शादी की बातें। मैं अपनी शादी के बारे में बात करूं? चाहे मेरा होने वाला शौहर इस मुल्क के सुहागनों को विधवा बना दे, मैं अपने घर के बारे में सोचूं, चाहे मेरा होने वाला शौहर यहाँ के मकानों को कब्र में बदल दे, मैं सुहाग की चुनरी को अपनी आंखों में लपेट लूं ताकि लाशों की ढेर नजर ना आए, इन जोड़ियों की इतना घन घन ना हो कि ये तीन बच्चों की चीखें सुनाई न दे। यही चाहते हो ना तुम? ये क्या हो गया तुम्हें? हाथ मत लगाओ मुझे, मैंने सब अपने कानों से सुन लिया है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? सुनना चाहती हो? मैं पाकिस्तानी तंजीम का खुफिया मेंबर हूँ। जिस होटल में तुम नाचती थी वो हमारा कंट्रोल टावर था, और जब्बार हमारे मिशन का सरगना। रोशन आरा, तू मेरा मकसद पूरा करने में मेरा साथ दे, मैं जिंदगी भर तेरा साथ दूंगा। सौदा? नहीं, मदद। हम दोनों मुसलमान हैं, हमारा ईमान एक है, हमारा कुरान एक है। मेरा साथ दे रोशन आरा। जब कुरान और ईमान का वास्ता दे दिया तो इनकार कैसे कर सकती हूँ? लेकिन एक वादा कर। कैसा वादा? तेरे मकसद के खातिर हिंदुस्तान का एक भी मुसलमान बलि नहीं चढ़ेगा। इस मुल्क के रहने वाले हर एक मुसलमान की हिफाजत की जमानत दे, फिर मैं तेरे साथ हूँ। कैसी बेवकूफी की बातें कर रही है? जंग जब मुल्क तबाह करने के लिए हो तो ये नहीं देखा जाता कि वहां के रहने वाले किस मजहब के हैं, वो सिर्फ दुश्मन होते हैं। क्यों? हिंदुस्तान के मुसलमानों का कुरान अलग है और पाकिस्तान के मुसलमानों का अलग? अगर तेरी नजर में यहाँ के मुसलमान दुश्मन है तो मैं तेरे दोस्त कैसे हो गई? एक दुश्मन से मदद की उम्मीद क्यों रख रहा है तू? क्योंकि मैं तेरा प्यार हूँ। नहीं, प्यार का वास्ता देके मुझसे गद्दारी की उम्मीद मत रख, मजहब की आड़ लेके सरहद की जंग मत लड़। अरे रोशन आरा बेटी है एक मुसलमान की, जिसे पहचाने अपने ईमान की। प्यार तो क्या, जहां तक लुटा दूंगी, मुझे कसम है अपने हिंदुस्तान की। ये क्या कर रही हो तुम? वही जो एक हिंदुस्तानी को करना चाहिए। रोशनी, आगे मत बढ़।
रोहित की जिंदगी में तू ही एक रोशनी थी, बाकी सब अंधेरा ही अंधेरा है। किसने गोली मारी तुमको? किसने मारा तुमको? इस फोटो को देखो, इसने मारा तुमको? इसने मारा तुमको? लेकिन क्यों? वो खतरनाक मिशन पे। मिशन? मिशन? कैसा मिशन? OPN 1613 पाकिस्तानी। यू आर अंडर अरेस्ट। आखिरी बार मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ऑपरेशन 1613M का क्या मतलब है? What does it stand for? मैं हजार बार कह चुका हूं कि मुझे इस कोड का मतलब नहीं मालूम, नहीं मालूम। Then who the bloody hell knows it? किसे मालूम है ये? तौहीद को। कबीरा आप? हाँ ब्रार साहब, दो जुड़वा भाइयों की अजीबोगरीब दास्तान है जिसका शिकार लगातार ये होता रहा है। आज अगर आपने इसकी बात पर यकीन नहीं किया तो इसका असर देश पर भी पड़ सकता है। लेकिन यकीन करने के लिए कोई बेस तो होना चाहिए ना। बेस है ब्रार साहब, डॉक्टर दस्तूर। हो सकता है उसके जरिए अजय का दिमागी तार उसके जुड़वा भाई तौहीद से मिल जाए और हमें यह पता चल जाए कि इस वक्त तौहीद कहां है और क्या कर रहा है। लेकिन सर, ऑपरेशन 1613M डिकोड कर लिया गया है। मर्डर ऑफ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की हत्या हिंदुस्तान में। कॉन्टैक्ट एयर कंट्रोल, कॉन्टैक्ट द जनरल, कॉन्टैक्ट इस्लामाबाद, एनीबॉडी हु इज रिस्पॉन्सिबल, गेट हिम ऑन द लाइन फास्ट, कम ऑन फास्ट। ब्रार साहब, मेहरबानी करके दस्तूर को एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत दीजिए। नो नो, आई हैव नो टाइम फॉर एनी एक्सपेरिमेंट। हो सकता है तौहीद इस मिशन पे हो। हम अंदाजों पर नहीं चलते। कभी कभी अंदाज सच हो सकते हैं सर। Why don't you understand, कबीरा? अजय मल्होत्रा इज अ डैम हार्डकोर क्रिमिनल। अगर उस एक्सपेरिमेंट का फायदा उठाकर ये वहां से भाग निकला और प्राइम मिनिस्टर को कुछ हो गया, then who the bloody hell will be responsible? उसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा उसका जिम्मेदार? मैं होऊंगा जिम्मेदार। मैं जिम्मेदार होऊंगा। मैं, मेरा फर्ज जिम्मेदार होगा। जिम्मेदार होगी मेरी ये वर्दी, जिम्मेदार होंगे मेरी छाती पर लगे हुए तमगे, जिम्मेदार होगा मेरा कटा हुआ ये बाजू। जिम्मेदार होगी एक बाप की कुर्बानी, जिम्मेदार होगा एक मां का वो दूध जो लहू बनकर इसकी रगों में दौड़ रहा है। और अगर ये सब जिम्मेदारियां भी कम पड़ जाती हैं तो इसकी जगह मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिएगा ब्रार साहब। ओके कबीरा, ठीक है, आई गिव इट अ ट्राई। थैंक यू ब्रार। विश यू गुड लक सर। लेकिन जनाब, आप इतने छोटे से हवाई जहाज में भारत जा रहे हैं, क्या ये आपकी शान के खिलाफ नहीं? जब भारत के वजीर आजम बस में आ सकते हैं तो क्या मैं छोटे प्लेन में नहीं जा सकता? मुल्क का सही रहनुमा, सही लीडर वही होता है जो अपने मुल्क का पैसा बचाए। आइए सर, प्लीज। जनाब, भारत से आपके लिए फोन। हेलो, मैं मुंबई से जनरल बरार बोल रहा हूं। कहिए जनाब,
आपके प्राइम मिनिस्टर का प्लेन भारत आने के लिए शेड्यूल है, उसे हमारी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मिलने तक रोक दिया जाए। ओके सर। अब तो हमारे वजीर आजम साहब उड़कर ही रहेंगे। गुड मॉर्निंग मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मैं जहाज का कप्तान इमरान बोल रहा हूँ। इस्लामाबाद से मुंबई की दूरी 2 घंटे 50 मिनट में तय की जाएगी। कौन हो तुम? अजय मल्होत्रा। नहीं, तुम अजय मल्होत्रा नहीं, तुम तौहीद हो। तौहीद अजय मल्होत्रा का जुड़वा भाई, वो तौहीद जिसकी वजह से अजय मल्होत्रा की जिंदगी मुसीबत में फंस गई है। अरब, तुम सितारों में घूम रहे हो, सितारों में, चारों तरफ सितारे हैं। यू आर मूविंग विद द स्टार्स। कहाँ हो तुम? सितारों के बीच। एक्सक्यूज मी सर। हाय, हाउ आर यू इमरान? आई एम फाइन, हाउ आर यू? कैसे हो? आई एम फाइन। और क्या कर रहे हो आजकल? बस यार, आजकल पीएम साहब के साथ हूँ। दैट्स वेरी गुड। और अबू कैसे हैं? फर्स्ट क्लास है। अचानक तुम भौर में फंसने लगे। तुम भौर में फंसते जा रहे हो। तुम भौर में फंसते जा रहे हो। अपने आप को बचाओ तो ही डूब जाओगे तुम। तो ही इस वक्त तुम कहाँ हो? तो ही तुम कहाँ हो?